हरिओम तत्सत। आप सभी का स्वागत है आरोग्य योग वेलनेस सेंटर में। आज के इस वीडियो में जिस प्राणायाम को हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम, वी ब्रेथ भी उसको कहा जाता है इंग्लिश में। इसके कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उसको ये कम करता है, साथ ही साथ अगर हाइपरटेंशन की आपको समस्या है उसमें भी काफ़ी लाभदायक है, और अगर आपको इंसोमिनिया की कभी प्रॉब्लम रही है, अगर अनिद्रा की प्रॉब्लम रही है, इसमें आपको ये बहुत लाभ करने वाला है। साथ ही साथ अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने कामों में, बच्चे पढ़ने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो अगर इस प्राणायाम का वो रोजाना अभ्यास करेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए इस प्राणायाम को कैसे करते हैं इसकी विधि जान लेते हैं। तो इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले जो आपकी जो इंडेक्स फिंगर है इससे जो ईयर बड्स हैं उसको ब्लॉक करना होता है, और बिल्कुल ये हैंड्स आपका स्ट्रेच आउट रहेगा, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, सिर बिल्कुल सीधा रहेगा। इसके बाद आप पहले गहरी श्वास अंदर लेंगे और छोड़ते हुए होंठ में पेपर इतना गैप होना चाहिए, और फिर गुंजन करेंगे हम। कैसा गुंजन करेंगे? भौरे की तरह हमें आवाज निकालिए, जैसे भौरा गुंजन करता है ना उसी प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले हमने ईयरबड्स को ब्लॉक कर दिया है अपने दोनों इंडेक्स फिंगर से। इसके बाद अब हम गहरी श्वास भर रहे हैं और छोड़ते हुए मुंह में पेपर इतना गैप रहना चाहिए, और अब आवाज भौरे जैसा गुंजन करेंगे। प्रकार से दो राउंड और करेंगे, गहरी श्वास अंदर, जब अभ्यास पूरा हो जाए धीरे से हाथों को नीचे लाएंगे घुटनों पर और आराम से रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, और इस प्राणायाम के दौरान जो हमारे मन मस्तिष्क में जो गुंजन उत्पन्न हुआ है उसको एहसास करने की कोशिश करेंगे। आपका मन शांत हो रहा है। धीरे से अब पामिंग करते हुए आपको रखेंगे हथेलियों को और धीरे से आप खोल देंगे। हरिओम तत्सत। तो दोस्तों आपको इस प्राणायाम को सुबह भी आप इसको कर सकते हैं, इस प्राणायाम को आप शाम में भी कर सकते हैं, और अगर आपको इंसोमनिया या अनिद्रा की शिकायत रहती है तो इसको आप सोने के पहले भी कर सकते हैं। अब साथ में ये भी बता दूं कि कौन लोग इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, कान के पर्दे फटे हैं वो लोग इस अभ्यास को ना करें। साथ ही साथ जिन लोगों को बहुत हाई डिप्रेशन है वो भी इस अभ्यास को बिल्कुल ट्राई ना करें, बाकी सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस तरह की और वीडियोज हम रोज आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों हरिओम तत्सत। आप सभी का दिन मंगलमय हो।